दीक्षा, सामान्य रूप से इसे गुरु दीक्षा भी कहते हैं, और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ दीक्षा अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। कई बार लोग कहते हैं कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं पर यज्ञोपवीत नहीं धारण करना चाहते हैं, तो दीक्षा अलग से भी ली जा सकती है। दीक्षा को गुरुवरण करना भी कहते हैं, और गुरु दीक्षा, दीक्षा या गुरुवरण, ये तीनों एक ही संस्कार के अलग अलग नाम है। अब दीक्षा है क्या, इसको समझने का हम सबसे पहले प्रयास करेंगे, क्योंकि जब समझेंगे नहीं तो उसका उनके नियमों का अनुपालन कैसे करेंगे। दीक्षा वास्तव में गुरु अनुशासन में बंधने का नाम है। जैसा कि हमारी ऋषि परंपरा रही है, बालक जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था तो हाथ में संविधा लेकर के जाता था, और उस संविधा को वो गुरु चरणों में समर्पित कर देता था। संविधा अर्थात अपने व्यक्तित्व को गुरु को समर्पित कर देना। उस संविधा से गुरु क्या करेगा, उसे हवन की लकड़ी बनाएगा, उसे चूल्हे में भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, ये उसकी इच्छा पर है। पर शिष्य का एक ही भाव होता था, मैं तन मन से गुरु के लिए समर्पित हूं। इस भाव का नाम ही वास्तव में दीक्षा है। जैसा कि यदि इसका शब्द को विभाजित करके देखें तो दो शब्द इसमें दिखाई पड़ सकते हैं, दी इच्छा यानी अपनी इच्छाओं को गुरु को समर्पित कर देना। अब गुरु इच्छा ही हमारी इच्छा, हमारी इच्छा कुछ नहीं, इसे ही वास्तव में दीक्षा कहते हैं। तो इसकी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ इसका उद्देश्य है, आइए उन उद्देश्यों को, मर्यादाओं को समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि गुरु दीक्षा सामान्य कर्मकांड नहीं है, यह एक सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयोग है। इसके अंतर्गत शिष्य अपनी श्रद्धा और संकल्प के सहारे गुरु के समर्थ व्यक्तित्व से जुड़ता है। कर्मकांड उस सूक्ष्म प्रक्रिया का एक अंग मात्र है। दीक्षा लेनी किससे चाहिए, तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि समर्थ गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा में समर्थ गुरु के विकसित प्राण का एक अंश शिष्य के अंदर स्थापित किया जाता है। गुरु स्वयं अपने तपश्चर्या का एक अंश, अपने पुण्य का एक अंश अपने शिष्य को प्राण के रूप में, एक अंश के रूप में प्रदान करता है, और यह कार्य केवल समर्थ गुरु ही कर सकता है। उन्हीं का प्राणादान दीक्षा लेने वाले को मिलता है। कर्मकांड कराने वाला जो भी व्यक्ति है वह स्वयं सेवक मात्र है, जो गुरु और आपको एक दूसरे से जोड़ रहा है, उसका बस इतना ही काम है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे पौधा अपनी ही जड़ों से जीवित रहता है और बढ़ता है। किंतु यह भी सत्य है कि वृक्ष की कलम सामान्य पौधे में बांध देने पर उसके उत्पादन में भारी परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी अच्छे पेड़ की कलम काट करके किसी सामान्य पौधे पर यदि लगा दी जाए, रोपित कर दी जाए, बांध दी जाए, तो उसमें जो फल लगेंगे, उसमें जो पुष्प लगेंगे, वो उस अनुरूप होंगे जिस पेड़ की कलम लगाई गई है। दीक्षा में साधक रूपी सामान्य पौधे पर गुरु रूपी श्रेष्ठ वृक्ष की टहनी प्राण के अनुदान के रूप में स्थापित की जाती है। साधक इसका अनुपम लाभ उठा सकते हैं। अब आगे समझते हैं कि कलम बांधना एक कार्य है, यह कार्य गुरु द्वारा किया जाता है, उसे रक्षित और विकसित करना दूसरा कार्य है जिसके लिए शिष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है। दीक्षा लेने वालों को अपने इस दायित्व के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए गुरु के विचारों के सतत सानिध्य में रहना आवश्यक है। गुरु के सानिध्य का लाभ यदि लेना है तो उसके विचारों के सतत सानिध्य में रहना आवश्यक है, तभी गुरु का मार्गदर्शन पाया जा सकता है। और मार्गदर्शन पाना ही नहीं, तदनुरूप अपने जीवन क्रम को बनाने का भी प्रयास करना आवश्यक होता है। जिस गुरु की हम दीक्षा ले रहे हैं, जिस गुरु से हम जुड़ने जा रहे हैं, उसके मार्गदर्शन को सतत अपने जीवन में पाने के क्रम में हमें उसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है। गुरु व्यक्ति नहीं, विचार है, और गुरु के विचार को अपने जीवन में अक्षरशः उतारते चले जाने का नाम ही गुरु दीक्षा है या गुरु अनुशासन है। दीक्षा के बाद गुरु शिष्य परस्पर पूरक बन जाते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं।
गुरु की शक्ति शिष्य के उत्कर्ष में लगती है, पर यह तभी संभव है जब शिष्य की शक्ति गुरु के कार्यों यानी लोक मंगल के लिए नियमित रूप से लगती रहे। इसे देवत्व की साझेदारी कहा जा सकता है। शिष्य को अपने समय, पुरुषार्थ, प्रभाव, ज्ञान एवं धन का एक अंश नियमित रूप से गुरु के कार्य के लिए लगाना होता है। यह क्रम चलता रहे तो लगाई हुई कलम का फलित होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। यानी गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य अपनी प्रगति पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है जब वो गुरु कार्य के लिए नियमित रूप से अपने पुरुषार्थ, प्रभाव, ज्ञान और धन का एक अंश लगाता रहे। ये कुछ सामान्य शर्तें हैं जिस अनुशासन को मान लेने के बाद ही गुरु दीक्षा का क्रम संपन्न कराया जाता है। तो आइए अब हम गुरु दीक्षा के क्रम में आगे बढ़ते हैं और उस गुरु को वर्णन करने जा रहे हैं जिसे हम इस युग के विश्वामित्र कह सकते हैं, गायत्री के सिद्ध साधक कह सकते हैं, जिन्हें हम सब गायत्री परिवार के परिजन गुरुदेव कहते हैं और जिनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा। ये ऋषि युग में ही हमारे इस युग के गायत्री के सिद्ध साधक, गायत्री के ऋषि, या यूं कहें इस युग के विश्वामित्र हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के प्राण के एक अंश को इस दीक्षा क्रम में आपके भीतर रोपित किया जा रहा है और आपकी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास इस कार्य को जो है परिणति तक पहुंचाएंगे। आपकी श्रद्धा के अनुरूप, आपकी निष्ठा के अनुरूप, आपके भाव के अनुरूप गुरु का वह अंश आपके हृदय में आज आरोपित होने जा रहा है, ऐसा भाव करते चलेंगे। गुरु की जितनी विशेषताएं हैं हम सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, लोकोक्तियों में भी उसका विधान है। तो हम जिस गुरु को वर्णन करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से विस्तार से जानकारी निकाल लेते हैं। जब हमारा मन भर जाता है, हमें लगता है हमारी श्रद्धा उमड़ पड़ती है, हमारी निष्ठा उमड़ पड़ती है, तब उस गुरु को हमको वर्णन करना होता है। यहाँ पर गुरु के प्रतीक चित्र के रूप में गुरुदेव माता जी का चित्र है। गुरुदेव ने तो कहा था कि बेटे मेरे चित्र का प्रयोग न करके मशाल के चित्र का प्रयोग किया जाए, और हम सब अपने गुरु को उसी मशाल के रूप में, उस मशाल रूप में उनका परिचय प्राप्त करते हैं, हम उनको देखते हैं, उनकी अनुभूति करते हैं, और आपको भी उसी गुरु सत्ता के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। इस पूरे क्रम में छोटा सा कर्मकांड जुड़ेगा जिसमें हम पहले गुरु की उस शक्ति को आवाहित करेंगे, तदुपरांत उस सिद्ध गायत्री मंत्र की जो कि एक छंद है, प्रार्थना है, और जब उसमें गुरु का प्राण जुड़ जाएगा तो आपके लिए एक सिद्ध मंत्र, गुरु मंत्र बन जाएगा। उसकी साधना आप नियमित रूप से करते चलेंगे, उस मंत्र की आपको दीक्षा दी जाएगी, और तदुपरांत गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए हम गुरु दक्षिणा के क्रम में भी जुड़ेंगे। तो आइए इस पूरे संस्कार को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप सबके लिए उस गुरु रूप को, उनकी सूक्ष्म सत्ता को, उनके सूक्ष्म रूप में यहाँ उपस्थित होने का हम आवाहन करते हैं। आइए गुरु पूजन का क्रम हम करने जा रहे हैं। जिस प्रकार भगवान मूर्ति नहीं एक चेतना है, उसी प्रकार गुरु को व्यक्ति नहीं चेतना रूप मानना चाहिए। जो ईश्वर की मूर्तियों चित्रों तक सीमित मानता है वह ईश्वरीय सत्ता का समुचित लाभ नहीं उठा पाता। उसी प्रकार जो गुरु को शरीर तक सीमित मानता है वह गुरु सत्ता का लाभ नहीं उठा सकता। जिस प्रकार ईश्वर सर्वसमर्थ है पर भक्ति की मान्यता और भावना के अनुरूप ही प्रत्यक्ष फल देता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य की आस्था के अनुरूप फलित होता है। यह ध्यान में रखकर गुरु वंदना के साथ अंतःकरण में गुरु चेतना के प्रकटीकरण होने की प्रार्थना की जानी चाहिए। हमारे सबके अंतस में वह गुरु शक्ति, वह गुरु चेतना सूक्ष्म रूप में प्रस्फुटित हो रही है, प्रकट हो रही है, जागृत हो रही है, ऐसा भाव करेंगे।
गुरुदेव का चित्र सामने है, मशाल का चित्र सामने है। एक प्रतिनिधि हम सब के लिए अक्षत पुष्प लेकर के खड़े हो जाएं और वंदना के साथ अक्षत पुष्प श्रद्धा भावना के साथ समर्पित करते चलें। गुरु आवाहन। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्हा द्युम द्विभाति कृतुमज्जनेषु यद्दिदयक्षवसगं ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् उपायां गृहीतो असि बृहस्पतये त्वैषते यो निर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी लोग श्रद्धावनत होकर के हाथ जोड़ लें। गुरु वंदना, गुरु से प्रार्थना। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु गुरुवै तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकं मात्रवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। इसी के साथ गुरु चेतना का एक अंश हमारे भीतर स्थापित हो चुका है ऐसा भाव करते हैं। अब मंत्र दीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। गायत्री मंत्र सहज रूप से एक छंद है, प्रार्थना है। गुरु जब उसके साथ अपने तप पुण्य और प्राण को जोड़ देता है तो वह मंत्र बन जाता है। यह सब देने की सामर्थ्य जिसमें न हो वो दीक्षा देने का प्रयास न करे तो ठीक है, नन्यथा वह निरर्थक रूप से पातक का भागी बनता है। हम सब जो दीक्षा दे रहे हैं हमारा स्वयं सेवक का भाव है और वह गुरु की चेतना ही का प्रवाह दीक्षित व्यक्ति से जोड़ने में हम अपनी सद्भावना का, हमारी श्रद्धा का प्रयोग कर रहे हैं ऐसा हमारा भाव है। आप भी वही भाव रखते हुए उस गुरु चेतना को, उस गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में अब हम स्वीकार करने जा रहे हैं। साधक सावधान होकर के बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें। जिन्होंने यज्ञ पवित्र संस्कार कराया है उनसे विशेष रूप से निवेदन, जो गायत्री मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं सभी लोग कमर सीधी कर लें। हाथ की दोनों अंगुलियां, यानी दोनों हाथों की अंगुलियां परस्पर फंसाकर हाथ के अंगूठों को सीधा रखते हुए परस्पर मिला लें। देखिए दोनों हाथ अंगुलियों को एक दूसरे के बीच में यूं फंसा लें, बंद कर लें और अंगूठे सामने की ओर करके दोनों नाखूनों की ओर देखें। इस स्थिति में आ जाएं। जिन्हें अनुभव हो वो दीक्षा लेने वालों को उस तरह से देख लें कि सबों ने उसी अनुरूप अपनी मुद्रा बना रखी है। अब अंगूठे के नाखूनों पर साधक अपनी दृष्टि टिका लें। दोनों अंगूठे पर देखें, बाएं और दाएं अंगूठे पर अपनी जो दृष्टि है टिका लें। हाथ थोड़ी दूर रखें ताकि आपकी दृष्टि बाधित ना हो, कम से कम एक फीट की ऐसी दूरी बना लें। और जब तक मंत्र की दीक्षा दी जा रही है तब तक लगातार अपनी दृष्टि को उसी तरह बनाए रखें दोनों नाखूनों पर, जिस तरह से वेल्डिंग करते समय वेल्डर अपनी पूरी दृष्टि वहीं बनाए रखता है जहां जोड़ लगाना होता है, ठीक उसी अनुरूप हम भी अपनी दृष्टि को दोनों अंगूठों पर टिकाए रखेंगे। बाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव और दाहिने अंगूठे पर माता जी का चित्र अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। उनके चित्रों को पुनः एक बार हम आंख ऊंची करके देख सकते हैं और उन्हीं चित्रों को, या मशाल रखिए तो मशाल ही, दोनों अंगूठों पर हम मशाल का भाव रखते हुए उस गुरु चेतना की अनुभूति कर सकते हैं। मंत्र यहां से बोला जाएगा, खंड खंड करते हुए दोहराया जाएगा और आप भावना करेंगे कि गुरु की दिव्य सामर्थ्य, उनके तप पुण्य और प्राण का अंश मंत्रों के साथ साथ, उनके मंत्र के अक्षरों के साथ साथ हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है, स्थापित हो रहा है, उपयुक्त मनोभूमि में वह फलित होकर ही रहेगा। यह गायत्री मंत्र अब हमारा गुरु मंत्र होने जा रहा है, सिद्ध मंत्र होने जा रहा है। इस भाव के साथ टकटकी लगाकर देखते रहें। हमारे एक स्वयंसेवक
कलश जल को लेकर के तैयार रहेंगे। जब 5 बार खंड खंड करके ये गायत्री मंत्र पूरा हो जाएगा, इस जल का विसिंचन साधकों के ऊपर, जिन्हें दीक्षा दी जा रही है उनके ऊपर किया जाएगा, और जब तक आपके ऊपर जल की बूंदे अनुभव न कर लें तब तक अपनी दृष्टि दोनों अंगूठों पर इसी तरह टिकाए रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मंत्र खंड खंड करके यहाँ से उच्चारित किया जा रहा है, हमारे पीछे पीछे दोहराते चलें। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पीछे पीछे आप भी दोहराते रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल का विसिंचन आप करते चले। ओम आपो हिष्ठा मयो भूहतान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयेतः नः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरं गमामवो अस्य क्षयाय जिन्वथ आपोजन यथा च नः। जिस प्रकार वृक्ष बीज या कलम आरोपित करने के बाद उसमें पानी दिया जाता है, पानी उसके अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा तेल साबुन तेजाब युक्त पानी पौधे को नष्ट करेगा। गुरु के अनुदानों को दिव्य रस श्रेष्ठ कर्मों तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट अनुशासन के पालन में उल्लास की अनुभूति से सींचा जाता है। पेड़ लगे फले फूले या भाव सींचने का है। आइए दीक्षा लेकर के हमारा एक नया जीवन, श्रेष्ठ जीवन आरंभ होने जा रहा है, इसीलिए आपका अभिवादन किया जा रहा है। यह अभिषेक उसी का प्रतीक है। अब आप अपनी दृष्टि हटा सकते हैं, सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगले कुछ क्रम और बाकी हैं जिसको हम आगे करते चलेंगे।